हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में जानेंगे कि अगर हमको कोरल ड्रा पे कोई बिजनेस कार्ड बनाना हो तो कैसे कोई बिजनेस कार्ड बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम जानेंगे आगे टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल के बाद से आगे जब जाएंगे तो पैरल टूल, बहुत सारा हमको टूल्स मिलेगा इसमें। इन सभी टूल्स के बारे में कुछ ना कुछ आपसे हम लोग जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमने पिछली क्लास में लगभग ये बैनर बनाए थे ना। अब देखिए, एक बन जाने के बाद हम सबको एक ग्रुप बना देते ताकि कहीं इधर चेंज ना हो। हम क्या किए इसको, हाँ सेव कर लिए थे हम इसको, ऐसे सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करना कंट्रोल जी से ग्रुप बना देंगे ताकि अब सारा क्या बन चुका है ग्रुप। और कहीं एक लेके जाएंगे ना तो साथ में सारा ही जाएगा, दिख रहा है ना, ताकि बाद में डिजाइनिंग करना ग्रुप बना देते हैं इसलिए ताकि वो कहीं चेंजिंग ना हो। चलिए एक फाइल ले लेते हैं, नया पेज ले लिए, कस्टम अपने हिसाब साइज टाइप कर दिए। और देखिए, बिजनेस कार्ड बनाना है तो बिजनेस कार्ड का साइज कुछ कोई लंबा नहीं होता है ना, तो इसको हम रख लिए कि इंच में जाएगा, इंच में बताएगा। और विथ उसका रख लिए कितना, लगभग अगर हम इतना बड़ा रखें तो 5 इंच ले लेते हैं। और उसका हाइट दे दिए कितना, 3 इंच। कितना दे दिए, 3। 3 करने के बाद हमको क्या करना होगा, 3 था ना, 3। और जस्ट यहां कर लेंगे क्या, ओके आ गया है ना। अब ये हाइट और विथ कोई ज्यादा नहीं है, बस कितना कितना है, ये 5 और ये कितना है, 3। हो जाएगा ना, यदि आप चाहते हैं नहीं तब इसको आप 4 रख लीजिए, ये 4 हो जाएगा, या फिर इसको 3 रखिए और इसको 2 या 2.5 रख लीजिए, छोटा सा बिल्कुल रखना है तो। लेकिन हम अपने हिसाब से मेंटेन कर लिए कि नहीं इतना रहेगा तो बेहतर रहेगा। हाँ, कुछ हम लोग डिजाइन रखे हैं जिसको इम्पोर्ट करा लेते हैं, डेस्कटॉप पे रखे हैं, डेस्कटॉप के पास नीचे आ गया। पहला ये था ना, एक ये है, और उसके बाद से दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है। एक और था ना, लगभग 3 था हम लोग के पास। अभी हमने 2 सेलेक्ट किया है ना, 1 और नीचे 2। चलिए 2 ही ले लेते हैं फिलहाल, इम्पोर्ट की और इसको ऐसे ड्रा किए, 1 2 सेलेक्ट एक ही बार किए थे, लेकिन ऐसे ड्रा करके हम लोग दोनों दोनों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये वाला बनाने के लिए, इसको फिलहाल साइड में रख लेते हैं, ऐसे बनाना के इस प्रकार से बनाएंगे। अरे समझे ना, जब हम लोग ये बना लेंगे तब हम लोग जानेंगे अगला ये बनाने के लिए कैसे बनाना हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा ना। अब हमको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना होगा ताकि हमारे पेज पे क्या लग जाए, बॉर्डर लगे साथ। लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते हैं तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे फ्री हैंड टूल, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ना। यहाँ क्लिक करने से हम यहाँ पे ला क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। क्लिक करने वाले देखिए, हम चले जाएंगे इसी पे, करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने समय से क्या कर देंगे, कि कर्व का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है अभी ना, पहले शेप ले लेंगे, शेप लेने वाले कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, टू कर्व। अब इसको यहां से क्या करेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, लगभग बिल्कुल वैसे हो वो मुड़ा हुआ है ना। फिर एक और आपको लेना होगा, या फिर इसी को डुप्लीकेट बना लीजिएगा, लेकिन डुप्लीकेट बनाने से बेहतर एक और ले लीजिए आप फ्री हैंड टूल। इसके बगल में यहाँ क्लिक करिए और फिर इसके बगल नीचे यहाँ पे ला क्या कर देंगे, क्लिक कर, हो जाएगा ना। फिर इसको पहले टू सेव कर लेना होगा, और राइट क्लिक करके टू कर, अब ड्रा कर लेंगे इसको इसी का आधार पे। हो गया है ना, बिल्कुल देखिए चारों तरफ से साइज बराबर है तो ही छोड़ेंगे, बराबर है साइज ना। अब दोबारा हम क्या करेंगे, फ्री हैंड टूल लेंगे तो हमको ऊपर लेके नहीं जाना, बल्कि यहीं पे क्लिक कर देना यहाँ पे, और यहाँ से लाके फिर हम यहाँ नीचे क्या कर देंगे, क्लिक कर लेंगे, जी ज्यादा नीचे हो रहा है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ ला क्या कर दिए, क्लिक, टू शेप ले लेंगे, शेप लेने में से राइट क्लिक, टू कर्व करना है और इसको ड्रा कर लेंगे कहाँ, ऐसे नीचे, जी
ऊपर वाला ज्यादा आ गया है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे ऐसे। हाँ और ऊपर कर दें इसको। वो नहीं सर, जो हाँ रेड में है ना, रेड वाला, वो इसमें का रेड जो बना ये क्या हुआ है? है पहले वाला लाइन था। चलो एक बार बैक करते हैं। कौन सा कह रहे तुम लोग, ये वाला लाइनिंग? ये क्या हुआ, ये लाइनिंग ज्यादा नीचे हो गया कहाँ नीचे दिख रही है? अच्छा ये वाला कह रही है यहाँ पे। अच्छा ये कहो, उसके लिए कुछ नहीं करना। देखो फिर सेप ले लेंगे, पहले इसको क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा ऐसे ऊपर कर लिए, चला गया है ना, फिर इसको यहाँ से हल्का सा ऐसे ऊपर कर लेंगे, ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ ज्यादा आगे जा रहा था, उसके हिसाब से हम मोड़ लेंगे इसको, ये कम ही ऐसा रखना होगा। हो गया, इसको भी क्लिक करके सेम वैसे ये भी सेव कर लेंगे, नहीं ज्यादा होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर ये वाला ले लेंगे, ये तो लगभग यहीं पर रहेगा ना। हाँ ये भी सेव ले करके, और इसको नहीं हो तो हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ कर लेते हैं ऐसे, लगभग ये भी इतना पे सही है। सही है ना। अब हमको कलर करना होगा इन दोनों में, सब में कलर करना होगा ना, तो हम ले लेंगे यहाँ से स्मार्ट फिल टूल, क्लिक कर देंगे। अब इसमें अलग कलर चाहिए तो डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद हम आई ड्रॉपर लेके इसमें क्या कर देंगे, क्लिक। आ गया वही कलर ना, इसमें क्लिक करिए, डबल क्लिक, आई ड्रॉपर क्लिक कर दीजिए, ओके हो गया। फिर इसमें क्लिक करिए, ये पूरा हो जा रहा है ना, क्यों पूरा हो जा रहा है, पहले एक बार अंडू करिएगा, जूम टूल लेकर के पहले यहां से जूम करके देख लीजिए, नीचे इतना ही छोटा है ना। फिर यहां करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं है ना, तो अब फिर हल्का सा आप ऐसे जूम ही रख लीजिएगा, हो गया। एक काम करते हैं, ध्यान रखिए इस पे डबल क्लिक हम लोग किए थे ना, अब फिर हम स्मार्ट फिल टूल लेके एक बार क्लिक करके ट्राई करते हैं, फिर भी सब में हो जा रहा है। तो इसके लिए एक तरीका हम लोग अपनाना होगा, पता है क्या, हम लोग फ्री हैंड टूल लिए थे ना, तो फ्री हैंड टूल लेने के बाद से हम यहाँ से पहले क्लिक कर लेंगे यहाँ, और यहाँ से क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, हो गया है ना। और उसके बाद से ये तो लगभग है ही, अब ट्राई करके देखते हैं, अभी भी सारा हो जा रहा है ना। नहीं रुका, सही है, कंट्रोल जेड, पहले जो भी हम लोग कलर के सबको हटा देते हैं, अब कोई कलर नहीं है ना, तो पहले हम नीचे वाला ही ट्राई करते हैं, ये ऐसा हो क्यों रहा है बता देते हैं। हम यहाँ सेप टू ले लिए, सेप टू लेने वाले क्लिक किए और इसको इसमें अच्छे से फिट कर दिए पहले, हो गया है ना। फिर जूम टू लेके जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट, यहाँ नीचे एक बार जूम करके देख लेते हैं, यहाँ भी तो मिला हुआ सही से ना, लेकिन एक बार फिर सेप टू लेके नहीं होते, यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ तो पूरा पूरा मिला हुआ है। अब ट्राई करिए फिल टू लेके, अभी पहले ही क्लिक कर दीजिए, अब एक बार जूम टू लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, तो शायद अब सही हुआ है ना। तो अब इसको हमने, हमको करना क्या है, फिल टू ले लेना है, कौन सा फिल कलर था, पहले थोड़ा सा जूम आउट करना होगा ना, इस पे क्या कर देंगे, इसमें हो गया। फिर इसमें अलग करना है, पहले स्मार्ट फिल टू लेके क्लिक कर लीजिए दोनों में साथ में, लेकिन इसमें आई ड्रॉपर लेके यहीं से ये वाला क्लिक कर दीजिए इसमें, और ये वाला क्लिक कर दीजिए, फिर हम ये वाला टूल ले लिए क्लिक करके और यहाँ ला क्लिक कर दिए, हो गया है ना। हाँ अब आपको क्या करना है, बस इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और इसकी आउटलाइन कर देना है नो आउटलाइन, सही है, कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है ना, लेकिन यहाँ ये ज्यादा कुछ निकला हुआ दिख रहा है, ये वाला कोई नहीं, ये पहले ही एडजस्ट कर लेंगे जितना होगा, सही है ना। अब हमको करना क्या, ऊपर जैसे ये बनाया हुआ है ना, या तो अपनी कंपनी अपने इंस्टीट्यूट का लोगो रख लें, हो जाएगा ना, या फिर ऐसे कुछ बना लें। तो ऐसे बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आप ये रेक्टेंगल लेके आप कंट्रोल के साथ ड्रा करिएगा, किसके साथ, कंट्रोल के साथ, राउंड आ रहा है चारों तरफ से ना, ड्रा करिए, कलर व्हाइट कर लीजिए,
विथ थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इसका मोटा कर देंगे, हो जाएगा ना। साइज थोड़ा सा नहीं हो तो और छोटा कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, सही है इतना पर ना। इसी को हम यहां से ऐसा रोटेट करा लेंगे, इसको यहां ला के रख लेंगे, हो गया है ना। नहीं हो तो इसी को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, और प्लस करने वाले यही इसके बगल में ला करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे। इसको कलर कौन सा करना, यही वाला ना, हाँ ये वाला, फिल नहीं करना है ना, आउटलाइन करना है, आउटलाइन कर लेंगे। विथ दोनों का भी पतला ही लग रहा है तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका विथ नहीं हो तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं इस पे, सही बना हुआ सेम ना। अब आगे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके पहले नाम लिख देंगे, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा लिखना है ना। चलो पहले लिख लेते हैं सिर्फ क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टू ले लिए, और एक काम करते हैं टेक्स्ट टूल लेके यहां से इंस्टीट्यूट ऐसे नीचे कर लेते हैं, और आपको ऐसे नीचे, और इन सब का अलाइनमेंट क्या कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे, हो जाएगा ना। और इसको मूव टूल लेके यहाँ मूव करा लेना है, पहले टेक्स्ट को क्या कर लेना है, वाइट, साइज को छोटा यहाँ पे, सही है, हाँ कैपिटल लेटर इसको करना है। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ F3 बटन करेंगे, यहां से अपर केस और ओके कर देंगे, साइज अब मेंटेन कर लेंगे अपने हिसाब से, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। अब एक और काम करते हैं, हम यहां पहले क्लिक किए और यहां पहले लिख दिए कंप्यूटर, क्या लिख दिए कंप्यूटर, और इसको जो है हम यहाँ छोटा करके यहाँ रख लेंगे, कंप्यूटर यहाँ हो गया है ना, और यहाँ लिख देते हैं कोचिंग, कोचिंग यही होता है ना। चलिए फिलहाल ये रख लेते हैं, और जब भी हम लोग सर्च कर लेंगे जो गलत दूसरा होगा तो हम लोग दूसरा लिख लेंगे, इसको यहाँ रखते हैं, इसका कलर हम यही ये वाला कर लेते हैं कोचिंग, और नीचे लिख लेते हैं सेंटर, क्या लिख लिए सेंटर, इसको यहाँ ड्रा कर लिए, पिक टू ले लिए, इसको यहाँ ड्रा कर लिए, सही है। अपने हिसाब से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिए, यहाँ पे दूसरा कंटेंट लिखा था तो हम सिर्फ क्या लिख दिए, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, हो जाएगा। अब आगे हमको एड्रेस देना है, क्या हमने लिख दिया यहाँ पे, कंप्यूटर कोचिंग, इन सबको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे जहां भी करना होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। या फिर चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यही टूल्स ले लेते हैं टेक्स्ट टूल वाला, और पहले हम एक इसका टैगलाइन दे देते अपने इंस्टीट्यूट का, जीआईटी है तो रोजगार, तो पहले हम लिख दिए क्या जीआईटी, हो जाएगा ना। अब देखिए अगर जो आप लोग चाहें तो यहाँ पे कृति देव का इस्तेमाल कर सकते हैं, अरे समझे ना, यदि आप कृति देव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो अगर जो आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल होगा तो यहाँ से डाल सकते हैं। चले मैं लिख दे रहे हैं, यहीं से कृति देव से ही ले लेते हैं, कृति देव 264 ले लिए, और यहाँ क्या देना है जीआईटी है देना है ना, है तो देना है, तो यहां से आर करेंगे के एस, तो रोजगार देना है ना, तो जे के एस जी के रोज होगा ना जी, टी कर देंगे रोजगार, फिर जे कर देना है, रोजगार है लिखना है ना, फिर हम यहाँ कर देंगे क्या जी शिफ्ट के साथ एस रोजगार है, हो जाएगा ना। हाँ
अब सही है ना। हाँ थोड़ा सा फॉन्ट इसका नहीं होता, स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये कुछ अलग स्टाइल दिख रहा है। 264 जो था ना उसको हटा करके कुर्सी देव का अलग वाला फॉन्ट ले लिया जाए, ऊपर नहीं रहेगा। ये सही है क्यों? इसको ऐसे लिख लेते हैं इतना पे और यहां लगा देते हैं, हो जाएगा ना? नहीं हो तो ये वाले को फिलहाल हटा देते हैं, इसका कोई वो नहीं दिख रहा है, क्यों साइड कर देते हैं, जब जरूरत हो लगाना तो लगा ले जाएंगे। बस हम यही इसी को क्या कर दिए, यहाँ लगा दिए यहाँ ऊपर बिल्कुल, थोड़ा सा कंटेंट को छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं। GIT है तो रोजगार है, सही है ना? अब आगे हमको क्या देना है, किसको? अच्छा ये वाला कह रही हो, चलो पहले फिल करके देख लेते हैं। और यहाँ से ये टूल्स लेके इस पे क्लिक कर दिए, ये वाला है ना, क्लिक किए और इसमें लाके क्लिक कर दिए, वही है। पता है क्यों नहीं पता चल रहा है? देखो इसके पीछे ये वाला कलर है, हर समझ ना, इसी की वजह से नहीं पता चलने दे रहा, सेम वाइट ही है। और जी हम लोग इसके ऊपर उठा कर रखें, क्योंकि सेम पिकअप तो वही कलर किया है ना, हो जाएगा ना? हमने दे दिया GIT है तो रोजगार, हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमको सबसे पहले यहीं पे, यहाँ पे नहीं हो तो कुछ अपने कोर्स का पहले नाम दे देते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का क्या करते हैं, कुछ कोर्स का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट टूल लिए, क्लिक किए, पहले हमने लिख दिया यहाँ पे DFA या स्लेस कर दिए, यहाँ पे लिख दिए ADFA, क्या लिख दिए ADFA, इसको करेंगे छोटा और इसको रख लेंगे यहाँ पे, यहां से रख लेते हैं, हो जाएगा ना? ऊपर नहीं होते काम करते हैं, एक शेप ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से मोर शेप में आ गए कॉमन वाले में, और यहाँ से कोई एक ऐसा शेप ले लिए जिसका कुछ डिजाइन अलग हो, ये वाला लगा दें। एसएमएस वाला नहीं, चलो पहले जूम करके फिर इसको एडजस्ट करते हैं तो सही बेहतर बैठेगा, क्यों जूम हो गया है ना? अब मूव टू ले लीजिए, इसको यहाँ ही रख लीजिए, और ये वाला जो है पॉइंट, अब ये नहीं होने देगा क्या, लग रहा है वो शेप लेना ही पड़ेगा तभी जाके होगा, ये वाला था ना, डिलीट कर देते हैं, सबसे बेहतर। यहाँ से फिर वही शेप ले लिए, और लेने के बाद से हम क्या कर देते हैं, इसे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ रख लिए, हो जाएगा ना? इतना बड़ा लगभग सही है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेके लिख देते हैं कोर्सेस, क्या लिख दिए कोर्सेस, और इसके साइज को मूव टूल लेके थोड़ा सा छोटा किए और यहाँ लाके लगा दिए, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब इसको कर लेते हैं जूम टूल लेके जूम आउट, सही है? ऐसे तो देखिएगा नहीं, हमारा पेज इतना पे रहेगा ना लगभग, सही दिखेगा। कोर्सेस, और कोर्सेस का आगे नहीं होती काम करते हैं हम, जो टेक्स्ट टूल लिए है ना, टेक्स्ट टूल लेने के बाद से इसी में हम बुलेट्स लगाते चलते हैं साथ में, क्या लगा लेते हैं बुलेट्स, हो गया। अब आगे देखिए हमको क्या करना है, ये तो हम इसके लिए दे दी, बुलेट्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी में बुलेट्स के लिए का ऑप्शन देता है, छोड़ो फिलहाल, फिलहाल बुलेट्स के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बटन प्रेस कर सकते हैं या F11
कंट्रोल के साथ और वहां सिंबल आ ही सकते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, कंट्रोल के साथ एफ इलेवन बटन, फिर हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लिए क्लिक कर दिए, तो ये डीएफए के लिए हो गया था ना, और ये डीएफए लिख दिए डीसीए, फिर सिलेक्ट करके लिख देंगे ए डी सी ए, हो गया, इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद यहां से कर लिए छोटा, हो जाएगा ना, यहां रख दिए, कलर भी अपने हिसाब से हम चेंज कर ले जाएंगे जो कलर फिट बैठेगा, फिर क्लिक किए टेक्स्ट, या फिर इसी को प्लस बटन करके हम बढ़ा दो, इसको क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, इससे बेनिफिट पता है क्या मिलेगा, सेम फॉर्मेटिंग रहेगा, अरे समझे ना, इस बार कर दिए ट्रिपल सी, फिर हम इसी में स्लैश करके लिख दिए ओ लेबल, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ओ लेबल, कोई दिक्कत इसमें, उसके बाद से एक और हम इसमें कोई अगर और भी कोर्स देना चाहें दे सकते हैं, या फिलहाल हम वही काम कर लेते हैं, पहले कंट्रोल या फिर इलेवन सिंबल आ जाएगा ना, तो पहले हम ले लेते हैं फोन का सिंबल, यहाँ फोन दे दिए, हो जाएगा, और यहाँ पे हम दो कंटेंट कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर दे रहे हैं 99 35 13 12 22, अब इसको हम क्या किए पिक टू लिए, इसके साइज को कर लिए छोटा, और इसको जो है यहाँ एडजस्ट कर यहीं ऊपर, क्योंकि नीचे हमको क्या करना है सेम फॉर्मेटिंग का एक और टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, हाँ दूसरा नंबर ही डालेंगे, इसको हटा दिए 36 52 24 08, सही है ना, इसको जो है इसके सेंटर में रख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, फिर हमको क्या करना है वेबसाइट वाला भी देना है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आएंगे इसको भी सेलेक्ट करके हम ड्रा करेंगे, और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे क्या gitEducation.com, क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर क्लिक लेना है gitEducation.com, इसके साइज को कर लिए छोटा, छोटा करने के बाद यहाँ पे लाके कर दिए ड्रा, और नजदीक कर दिया जाए, पहले जूम टूल इतना एरिया जूम, इतना सही है, बिजनेस कार्ड होता है कदा जॉब कार्ड नहीं होता है, बिजनेस कार्ड होता है, इसको बिजनेस कार्ड बोलते हैं, जॉब कार्ड अलग है, जॉब कार्ड और बिजनेस कार्ड तुमको अंतर नहीं समझ आता है, जब लोग कहीं जाते हैं किसी बिजनेस में किसी दुकान पे किसी भी शॉप पे, वो कहते हैं ना कि हमारा कार्ड है संपर्क कर लीजिएगा, तो वो होता है बिजनेस कार्ड, हाँ वैसे वाला सेम वैसे, इसलिए वैसे बना ले जाओगे वैसे बन जाएगा, चलो ऐसे फिट हो गया है ना, जूम आउट कर लेते हैं इसको, अब सही है ना, अब देखिए ये तो हो गया, दूसरी चीज हम लोकेशन भी इसमें दे देते हैं, किसका सिंबल लोकेशन, तो पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे क्या वेबडिंग्स, वेबडिंग्स वेबडिंग्स में देखिए कहीं लोकेशन का सिंबल दिख रहा है, चलिए शायद इसमें लोकेशन का सिंबल नहीं दिखाई देगा, नहीं दिख रहा है ना, देखिए उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप ब्राउजर पे जाइए, ये ब्रश वाला टूल्स आ गया था आर्टिस्ट इफेक्ट वाला, हम ब्राउजर पे गए और यहाँ पे सर्च कर लिए लोकेशन, आइकन दिख रहा है ना, अब जो आइकन आपको बेहतर लग रहा होगा, जैसे सपोज के कहीं रेड वाला चाहिए दिख रहा है ना, या फिर ये वाला बेहतर लग रहा हो, ये वाला ले लें, राइट क्लिक किए सेव इमेजेस, और इसको लोकेशन डेस्कटॉप देके क्या कर दिए सेव कर दिए, हो गया है ना, हाँ पहले आप आ जाइए कोरल ड्रा में, और कोरल ड्रा में आने के बाद से आप इंपोर्ट पे जाइए, और इंपोर्ट पे जाने के बाद सेलेक्ट कर लीजिए किसको डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप पे किस नाम से है? जी नाम से, यही है ना। पहले देखते कहीं इसका बैकग्राउंड तो नहीं है ना, नहीं है बैकग्राउंड ना, काफी बड़ा हुआ आया हुआ है। इसके साइज को पहले हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। भैया का कितना बड़ा है, अल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे, जल्दी छोटा हो जाएगा। हो जाएगा, पहले इतना लेके आते हैं, जितना पे एडजस्ट बैठेगा उतना एडजस्ट एडजस्ट कर देंगे। सही है यहाँ पे ना, इतना पे सही है। अब हम चले गए यहां से टेक्स्ट टूल लिए। टेक्स्ट टूल लेने के बाद देखिए, पहले हम लिखेंगे रेलवे स्टेशन। आपको भी नहीं मिला था क्या? पता नहीं बताया तो मैं भी लास्ट टाइम, शुरू में पेज लेने लेते समय बताया पेज को चेंज करने के लिए। यहाँ पे लिए रेलवे स्टेशन, रोड, रौना, कुशीनगर। सही है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, नहीं हो तो इसको दो लाइन में कर लेंगे, सबसे बेहतर रहेगा। कितने लाइन में? दो। यहाँ पे इसको कर्सर को यहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ पे एंटर। सही है ना। अब इसके साइज को करेंगे छोटा, और यहाँ पे लाके क्या कर लेना है, एडजस्ट। हो जाएगा। कितना हो जाएगा ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में कर देते हैं। नहीं हो तो देखो ये वाला एरिया कैसे, तो ये कुछ अलग ही दिख रहा है इतना कोर्स वाला हम लोग का। इसके लिए हम ये ले लिए रेक्टेंगल टूल, और इसको जो है ऐसे ड्रा कर लेते हैं। अब सही है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कलर नहीं रहने देते हैं, कलर रहने देते हैं। देखो अभी जूम आउट करते हैं, देखना टेक्स्ट देखो कहाँ बार बार आ जा रहा है। गुम नहीं हो जाता है, जब जूम को लेके क्लिक करोगे ना तो जूम होता चला जाएगा। देखो अब सही है ना, बन जाएगा। तो सबसे पहले बिजनेस कार्ड बनाओ, तैसे बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अगर जो हम चाहें तो जब इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ना, तो ये जो कोर्स वाला हम लोग यहाँ पे दिए हैं, इसको हम लोग ड्रा करके यहाँ रख सकते हैं, हो जाएगा ना। इसके साइज को हम लोग चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, क्यों? अब सही है ना। हाँ, इसका आप कलर कर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं। उसके अंदर जानते हो कौन सा कलर रखा जाए, आई ड्रॉपर, ये वाला कलर। सही है। और जो टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, और इसको व्हाइट कर देते हैं। देखो अब एक बार जूम आउट कर लें। सही है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चल ये तो हमने ऐसे बना लिया, तो अगर एक बिजनेस कार्ड बनाना हो तो ऐसे बना ले जाएंगे ना।